सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज अपन बात करने वाले HP 1136 में फॉर्मवेयर अपडेट कैसे करें। तो सबसे पहले अपन पुराना फॉर्मवेयर निकालने के लिए आपको 5 सेकंड तक ये कैंसिल वाला बटन दबा के रखना। उसके बाद जो लाइट ब्लिंक होने के बाद प्रिंट आएगी, ये आप देख रहे जो प्रिंट आ रहा है उसमें फॉर्मवेयर की डेट और प्रिंटर सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है। जो आप देख रहे जो इसका फॉर्मवेयर अपडेट है जो 2012 का है, 9/1/2012, फिर उसको अपने को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए जो कभी कभी प्रिंटर में एरर आ जाता है तो आपको फॉर्मवेयर अपडेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके सर्च करेंगे HP 1136 प्रिंटर, एफ करेंगे तुरंत आपको फॉर्मवेयर अपडेट करके आ जाएगा। उसके ऊपर आपको एंटर मारना है। एंटर करने के बाद जो भी पहला वेबसाइट आएगा support.hp, आपको उसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू विंडोज करना है। और उसके बाद जो भी अपना कंप्यूटर है, अगर विंडोज 7 है, विंडो 8 है और विंडो 10 है, और कितना बिट वो आपको करके फिर आपको डाउनलोड करना है फॉर्मवेयर में। तो इसका कुछ 5-10 MB का जो फाइल रहेगा, इसका जो 1136 का 5 MB का फाइल है वो अपने को डाउनलोड करना है। अभी आप देख रहे जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। आप देख रहे जो ये ड्राइवर है वो डाउनलोड हो गया है, अपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे तुरंत रन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ कुछ इंटरफेस में ऐसा कुछ दिखने पर आपको यस करना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आपका प्रिंटर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जो अपने को अपडेट करने के लिए 1136 किया तो आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद स्टार्ट करना है। जो अभी है वो फॉर्मवेयर अपडेट होना स्टार्ट हो रहा है, जो अपडेट हो रहा है। आपको 2-4 मिनट तक उसका प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस चालू हो गया है अभी। जो आप देख रहे हैं इनका प्रोसेस अभी भी चालू ही है क्योंकि सॉफ्टवेयर का क्या है, वो डाटा अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मवेयर अपडेट करना जरूरी है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, जब प्रॉब्लम आता है तब आपको अपडेट करना जरूरी है। आप देख रहे जो अभी फॉर्मवेयर अपडेट हो रहा है इसके लिए दोनों लाइट ब्लिंक हो रही है। आप देख रहे जो अभी फॉर्मवेयर अपडेट है उसके दोनों लाइट ब्लिंक हो रही है। देखो अभी लिख के आ गया HP प्रिंटर अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ओके करना है और आप देख रहे जो अभी भी आपको, उसके बाद आपको मशीन है जो प्रिंटर है उसको आपको रीसेट करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बेल दिख रहा है उसको आप ऑन करके रखिए। जो आपको दो बार इसको प्रिंटर ऑन ऑफ करना है। उसका दो बार आप बंद चालू करेंगे तभी इनका प्रोसेस एंड होता है। जो आपको बंद चालू करना है उसके बाद देखो दो बार बंद चालू करने के बाद आपको रेडी दिखा रहे। उसके बाद आपको 5 सेकंड तक ये वापस कैंसिल वाला बटन दबा के रखना है। उसके बाद जैसे ही ये ब्लू लाइट बंद चालू होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही आपको छोड़ देना है, तो तुरंत आपका जो रिपोर्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं उसका रिपोर्ट का प्रिंट आ रहा है, दोनों रिपोर्ट प्रिंट।
जो आप उन देख रहे, जो इसका लास्ट अपडेट है जो 17/3/2014, जो अपना फॉर्मवेयर अपडेट का डेट है वो 2014 का लिया, पहले 2012 का था, तो इसके लिए उसके बाद जो फॉर्मवेयर अपडेट हुआ नहीं है, जो इसका न्यू अपडेट है वो 2014 है, और जो अपना पुराना अपडेट था वो अपडेट था 2012, 9/1/2012। अगर ऐसे ही प्रिंट और रिलेटिव किसी भी प्रकार की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम ऐसे नए नए वीडियो रेगुलरली अपडेट करते हैं।